मुख्यमंत्री पार्टी के नुमाइंदे एमएलए साहबान उत्थे जाणगे तां उत्थों दी ग्राउंड स्थिति का जायजा ला के जो उत्थे वेले सानूं अरैसट किया गया आ और तुसीं देख सकते हो कि सारा प्रशासन और पुलिस जो है वो इस वेले अरैसट करके उन्होंने सानूं इत्थे रख्या होया और लगातार इन्हां नूं असीं इक्को गल कह रहे हैं कि तुसीं सानूं साडे जिहड़े परिजन ने जिहड़े साडे उत्थे जिन्हां दा कतल होया पंजाबियों का जिहड़े साडे रिश्तेदार ने उन्हां दे कोल जाण दित्ता जावे और उत्थे जाके असीं उन्हां नाल जिथे अफसोस करना चाहुंदे आ उत्थे उन्हां दे नाल असीं संवेदना प्रगट करना चाहुंदे आ। हाँ बिल्कुल, तुहाडे सामने जो कुछ होया मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी दे विच कदी वी चीज़ां नहीं अंग्रेजों के टंग से सुनेजा जिसे किसी को चुप के ज किसी को रोक के जिते मर्जी उन्होंने डिटेन किया जा सकता अरैसट किया जा सकता पर मैं आज बड़ा अफसोस न कहना पै रहा कि यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह डिक्टेटरशिप चलाई है जिस अहंकारी राजा मैं कहूँगा कि अहंकार के मोदी ने यह जो काम किया मेरे को बड़ी शर्मनाक कर लिया। एक स्टेट का होम मिनिस्टर होवे उतों का डिप्टी सीएम होवे आ मेरे नाल दो लख नुमाइंदे हो दो लख वोटर के नुमाइंदे हो इस तरीके दे नाल रोकना ये तो डेमोक्रेसी का होर कतल की हो सकता ये डेमोक्रेसी का कतल है। और जो गल इंसीडेंट होया जो आप लीए उ बैठिया के उत्ते गड्डी चढ़ा देनी ये डेमोक्रेसी का कतल नहीं ये अहंकार आ इन्हां दे विचों अहंकार बोल रहा और यह अहंकार बहुत देर नहीं चलेगा जिस तरीके स्पीचा करनिया जिस तरीके अहंकार तरीके दे नाल इन्हां दी बॉडी लैंग्वेज ये जिहड़ी बहुत देर नहीं चलेगी। साढ़े भरा 19 साल का कोई 20 साल का कोई 32 साल का उन्होंने जिन्हां दी मौतां हो गईआं ये कहते जी उन्होंने नाल तुसीं अफसोस उन्हां परिवारां दे नाल अफसोस नहीं कर जा सकदे। मैं एक मिनट तुहानूं मोबाइल अपना दिखाउणा उहदे मोबाइल दे विच देखो कि उन्हां दे ये आ रहा कि जी सानूं साढ़े परिवार जिहड़े उत्थे गए ने रिश्तेदारां नूं मिलन गए ने उन्हां दे वापस आउण दा वो भी रोक दिता इस सरकार ने कि तुसीं पंजाब च भी नहीं वापस जा सकते ते नाल ही ऑर्डर कढ़िया कि कोई पंजाबी जो पंजाब तो यूपी दे विच एंटर नहीं कर सकता इहदे तो होर तुगलकी फरमान कोई हो सकता। आ मैं तुहानूं एक फोटो दिखाउणा कि तुसीं देखो कि बिरख साहब ने साडे आ फोटो उन्हों की आ नौजवान उत्थे खड़ा तो दूसरी फोटो जिस वेले इन्होंने एक गुंडागर्दी का नंगा नाच किया शर्म आनी चाहिए मोदी को तो इनू योगी ने इतों की एडमिनिस्ट्रेशन आ कोई देख सकता उन्होंने इन्हों का पता लैन ना जाइए यद ना पता लवा कि तेरा हालात की ने कि कितने सट्टा किमें आ उहदे बचेगा जां नहीं बचेगा ये पंजाब के लोग सानू पुछ रहे हैं तो ये कहते असी तुहानू अज जिहड़ी फोटो आ ये मेरे उहदा ना योगी का कोई बच्चा तो ना मोदी का कोई बच्चा जिन्हां दे बच्चे ने ना साडे बच्चे ने सानू पता कि जिस वेले बच्चे के पैर ते सूल भी लग जाए तो साडा दिल तक दिल दी जान निकल जाती है कि बच्चे ने की हो गया इस करके इन्हां नू आ बच्चे में मोदी ने असीं सारे उहदे बच्चे हाँ जे मैं होम मिनिस्टर हाँ तो जे पंजाब च किसी बच्चे का कोई नुकसान हुंदा वो मेरे अपने बच्चे का हो रहा तो इस करके मैं मीडिया वाले तुहानू भी बेनती करदा कि कृपा करके इस अन्नी बोली गूंगी सरकार के कन्न खोलो जिहड़ी सरकार पुलिस राज दे नाल चल रही आ ये जिहड़ा दिन कल परसों आया कल इन्होंने जनरल डायर की मुड़ याद ताज़ा करवाई आ जल्लियांवाले बाग दे विच जनरल डायर पाया तो इत्थे योगी आदित्यनाथ यूपी दे विच पैदा होया जे अंग्रेजा ने डायर वापस किया मोदी को इमीजिएटली जरा बीजेपी का डायर है जरा मॉडर्न डायर है यू इमीजिएटली डिसमिस करना चाहिए ये क्रिमिनल केस करके अरैसट करना चाहिए। धन्यवाद जी। 45 लाख मुआवजे देने की जी गल करे परिवार देखो मेरी गल सुनो योजना चीज़ा लिया के पहले कि बच्चा मार दौ वो जो मिनिस्टर है जिदे जिन्हें साढ़े नौजवान मारे आ अगर वो कोई डैथ हुई होंगी ज्यादा नुकसान होता तो मोदी उन्होंने 45 लाख रुपया दे के समझौता करता तो एक इन्होंने बहुत घिनौनी हरकत की थी। ठीक है जिन्होंने बच्चे मरे आ उन्होंने मुआवजे भी होंगे ने पर तो पहला अरैसट कर दे अरैसट तो बाद कहते कि तो नुकसान होया तो आ ही भरपाई जी
किसी की कोई बच्चा वापस नहीं आ सकता, पर असं ये कह सकते कि साड़ी सद्भावना साड़ी हमदर्दी है तुहाडे नाल। पहला इन्हां नूं अरैसट करना चाहिए, फिर इन्हां नूं कंपनसेशन जिहड़ी सी अनाउंस करनी चाहिए।